हेलो एवरीवन, हमारी तीन ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप, जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टू और एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू ए एडजेसेंट कार्बन एटम इन द सबस्ट्रेट इज रिमूव्ड टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका टू और फोर एटम जो एडजेसेंट कार्बन मीन्स दो सीरीज में जो कार्बन होते हैं वो रिमूव होते हैं कार्बन से, और उसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें कुछ, जैसे आपका यहाँ एक्स हो गया और यहाँ आपका वाई हो गया। तो यहाँ ये दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ से आपका एक्स रिमूव होगा और दूसरे कार्बन से आपका वाई रिमूव होगा, तो जो रिएक्शन होगा आपका उसमें मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये रिएक्शन जो है एल्कली बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन मतलब निकलना, किसी बड़े मॉलिक्यूल से दो छोटे एटम या ग्रुप का निकलना एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब वो ये जो रिएक्शन होती है वो एडजेसेंट कार्बन में होती है। अब ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, ये आपका बीटा कार्बन, तो इसके लिए हम इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मींस अल्फा कार्बन से एक ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से एक ग्रुप निकलेगा, इसलिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है आपका ये रिवर्सल ऑफ एडिशन रिएक्शन, रिवर्सल है एडिशन रिएक्शन का, जहां पर दो आपके एटम या ग्रुप अटैच होते हैं दो एडजेसेंट कार्बन पे, लेकिन यहाँ पर आपका दो एटम या एलिमेंट निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम रिवर्सल ऑफ एडिशन रिएक्शन कहते हैं इसे। और आपका ये इसमें टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स एंड ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जिसमें आपका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और दो सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पर आपका दो अल्टरनेट आपका एडजेसेंट कार्बन में दो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और एक आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से, तो इसलिए आपका ये रिएक्शन जो है आपका एंडो थर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मीन्स इसमें आपका डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एंडोथर्मिक मीन्स हमको बाहर से इसमें रिएक्शन के लिए एनर्जी या बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी होगी, और रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। तो जो ये रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है, तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। जिसमें आपका एक और चीज़ बोल सकते हैं इसमें हम कि
सेचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड मीन्स, यहां पर आपका सेचुरेट कंपाउंड मीन्स सिंगल बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड आपका अनसेचुरेट मीन्स डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इवन रिएक्शन, सेकेंड ई टू रिएक्शन। तो ये दो टाइप की होती है, ई वन रिएक्शन और ई टू रिएक्शन। तो हम वन बाई वन अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ई वन रिएक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर आपका अफेक्ट करते हैं ई वन रिएक्शन को, ई टू रिएक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर ई टू रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और ई वन और ई टू में डिफरेंस क्या है, इसको हम अगले क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।